तो वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। फायरबोल्ट की निंजा फिट प्रो आने वाली है, यस आपने से सुना, जो आपको बड़ी डिस्प्ले के साथ मिलने वाली है। अब बड़ी डिस्प्ले कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी होगी डेफिनेटली। यहाँ पे 2 इंचेस तक की आपको डिस्प्ले मिलने वाली है और यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस ब्रैकेट में इसको लॉन्च किया जाएगा। फायरबोल्ट की तरफ से बहुत जल्दी आने वाली है, ऑन अमेजॉन शोकेस हो चुकी है। तो सिंपल सा प्रीव्यू रहने वाला है और क्या फीचर्स रहेंगे, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अगर आप चैनल पे आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चलिए इस अमेजिंग प्रीव्यू को हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। निंजा फिट प्रो, यस, एप्पल वॉच का लुक एकदम देखने में लग रहा है और इवन फायरबोल्ट की पुरानी वाली जो है उसका कॉपी लग रहा है मेरे को। फायरबोल्ट की विजनरी जो थी, फायरबोल्ट की न्यूक्लियस जो थी, उस तरीके से देखने में वॉच लग रही है। निंजा फिट प्रो 2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। जैसे आपको फायरबोल्ट की हंटर में डिस्प्ले बड़ी मिली थी, जैसे कि ग्लैडिएटर में डिस्प्ले बड़ी मिली थी, उस तरीके से डिस्प्ले आपको बड़ी मिलेगी इसमें। तो ये भी काफ़ी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। जिनको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच पसंद है तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में इसके लिए काफ़ी अच्छी वॉच रहेगी, थिन डिस्प्ले अच्छी नहीं लगेगी वॉच, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग ऑब्वियसली बात है मिलने ही वाला है आपको इसमें। और 3 कलर शेड्स में, ग्रीन, सिल्वर और ब्लैक और ब्लू, मतलब 4 कलर शेड्स में देखने को मिलेगी। छः कलर शेड्स में बेसिकली ये वाली मिलेगी आपको। पिंक भी मिल जाएगी और रेड वाला भी मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं थोड़ा सा, तो डिस्प्ले एकदम एज टू एज मिलेगी आपको इसमें। और नीचे की साइड बेजल्स हैं डेफिनेटली, यहाँ पे क्लियरली दिखाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2 इंचेस की डिस्प्ले और फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर जो है, जिसमें नीचे की साइड चिन काफ़ी मोटी मिलती है, उस तरीके से चिन नहीं है, बट अगेन गाइस चिन है इसमें अंदर, ठीक है। ब्लैक बॉर्डर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। क्विक स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी बेटर हो जाती है। 2 इंचेस की लार्ज डिस्प्ले मिलती है और देखो इतनी चिन मिलेगी आपको, यहाँ पे दिख रहा है, इतनी चिन मिलेगी बेसिकली, ठीक है। और ठीक है, मेरे ख्याल से डिसेंट है। वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और मेरे को लग रहा है डबल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ थोड़ा सा लग रहा है, देखते हैं। यहाँ पे अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी आ जाएगी इसकी। फायरबोल्ट हेल्थ स्वीट, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर, SP2000 मॉनिटर और स्लीप मॉनिटर यहाँ पे आप कर पाओगे। बिल्ट इन गेम्स मिल जाते हैं यहाँ पे 4x, यस, ये सेम आपको फायरबोल्ट की टैंक, राइज या हंटर वो वाला UI देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। 250 mAh बैटरी कैपेसिटी, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो बहुत ही कम है, तो क्या डिसेंट है। 2 इंचेस की डिस्प्ले के हिसाब से मेरे ख्याल से रन कर जाएगी अराउंड 2 से 3 दिन चल जाएगी। ऑन कॉलिंग 2 दिन चल पाएगी और फिटनेस मोड 3 से 4 दिन रन कर जाएगी। मल्टीपल वॉच फेस देखने को मिलते हैं और 240 pixels का रिजोल्यूशन काफ़ी कम दिया गया है। इसमें कंपनी को सुधार करना चाहिए, कम से कम 360 pixels का रिजोल्यूशन होना चाहिए, 320 pixels का रिजोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे अपने पिक वैसे वॉच फेस लगाते तो पिक्सलेट होने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 240 pixels का रिजोल्यूशन दिया गया है। 228 pixel पर इंच की शार्पनेस भी है, तो यहाँ पे शार्पनेस भी कम ही है 2 इंचेस की डिस्प्ले के हिसाब से। 2 इंचेस की डिस्प्ले के हिसाब से कम 380 या 360 pixels का रिजोल्यूशन होना चाहिए था। डिजाइन टू इंजॉय, यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले की क्वालिटी, बेशक मतलब जो आपका कह सकते हो शार्पनेस ऑन में कमी है, बट यहाँ पे स्मूथनेस में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है। फायरबोल्ट ने 70 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो कॉमनली आपको वॉचेस में कितना मिलता है, 30 Hz का नॉर्मल जो आती है वॉचेस, 60 Hz का मिलता है जो कि थोड़ी सी स्मूथ आती है वॉचेस, जिसकी BeatXP की आती है वॉचेस, बट यहाँ पे आपको 70 Hz का दिया गया, तो 60 Hz से थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। 600 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ही वॉच आएगी। और बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या ये क्राउन की वर्किंग होगा, नो गाइस ये क्राउन की वर्किंग नहीं होगा, सिर्फ पुश बटन की तरह आप यूज कर पाओगे। क्विक एक्सेस डायल पैड, कॉल हिस्ट्री देख सकते हो, सिंक्रोनाइज कॉन्टैक्ट, अप टू 8 to 10 कॉन्टैक्ट को आप यहाँ पे सेव कर पाओगे। दाफिट एप्लीकेशन से पेयर होने वाली है ये वॉच। 123 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे, तो अपने मूड के अकॉर्डिंग जोन सा स्पोर्ट्स मोड आपको यूज करना है आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। और उसी के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गूगल सिरी को आप एक्टिवेट कर पाओगे। एक चीज़ का फ्लॉ लगा है इसमें, टेक्सचर तो दिया गया है मतलब जो इसकी बटन है, बट इसमें रोटेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये मेरे को थोड़ा सा फ्लॉ लगा। और फायरबोल्ट हेल्थ स्वीट, यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, SP2000 मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, सिंगल सेंसर के साथ देखने को मिलेगी, ग्रीन एक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा आपको इसमें, IP67 वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे हैवी रेनिंग वेनिंग में चल जाएगी, स्वेट स्प्लैशेस में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, बट अगेन डीप स्विमिंग में लेके नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे IP67 ही दिया गया है, 1 meter to 30 minutes तक, ठीक है। बिल्ट इन गेम्स, तो 4 गेम मिल जाएंगे, बर्ड वाला और यहाँ पे 2048 टाइप का भी देखने को मिल जाएगा, बैटलशिप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रॉक अ मोल वाला कोई गेम है वो भी देखने को मिल जाएगा, तो 4x इनबिल्ट गेम मिल जाएंगे और 2 इंचेस की डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका खेलोगे गेम तो।
और 6 दिन का नॉर्मल यूज़ पे 20 डेज़ का स्टैंड बाय टाइम मिल जाएगा। 250 mAh बैटरी कैपेसिटी थोड़ा सा कम ही लगा मेरे को, फायरबोल्ट के अदर वॉचेस में ज़्यादा भी मिलता है वैसे। अदर फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिलता है यहाँ पे। म्यूजिक में वॉच में भी सॉन्ग सुन पाओगे, यस आपने सही सुना, बट यहाँ पे स्टोर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है सच, ठीक है, सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर पाओगे बट वॉच में जरूर सुन पाओगे आप। फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और अलार्म भी सेट कर पाओगे वॉच में इटसेल्फ। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे अलार्म में क्या रिंग बजेगा, क्या वाइब्रेट करेगा, ओनली वाइब्रेट होगा, रिंग नहीं बजेगा। स्मार्ट नोटिफिकेशन की बात करें, सारे के सारे नोटिफिकेशन वॉच में आपको इटसेल्फ देखने को मिल जाएंगे, बट अगेन गाइस आप क्विक रिप्लाई नहीं कर सकते, ये है थोड़ा सा कहीं ना कहीं। मल्टीपल वॉच फेस, टन्स ऑफ वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग, जौन सा आपको लगाना है आप लगा पाओगे इस वॉच में। वैसे स्ट्रैप साइज की बात हम आगे करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जब मैं बताऊंगा आपको। कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट फीचर्स की बात करें, वेदर अपडेट, सैलिनिटी रिमाइंडर और ड्रिंक वाटर रिमाइंडर भी देखने को मिल जाएगा इसमें। और स्ट्रैप इट ऑन 6 कलर शेड्स में मिलेगी, पिंक वाले गर्ल्स के लिए काफी अच्छा है और रेड और सिल्वर भी गर्ल्स के लिए काफी अच्छा है, ब्लू ब्लैक और ग्रे बॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पे और फाइनली मैं प्राइस की बात करूंगा। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यस इन सेटिंग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ ये वॉच आएगी और 22 mm स्ट्रैप साइज रहेगा, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा पाओगे, ठीक है। उसी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी इसकी एल्युमिनियम रहने वाली है, मेटल का बिल्ड रहेगा ये और पॉलीकार्बोनेट बिल्ड नहीं होगा। बैक साइड डेफिनेटली इसका पॉलीकार्बोनेट होगा और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपका इसका 78 to 79% तक का देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। और स्पीकर की क्वालिटी, लाउडनेस आपको इनफ मिलेगी जैसे कि फायरबोर्ड की पुरानी वॉचेस होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस आपने देखी और विजनरी देखी, उतनी ही लाउडनेस देखने को मिलने वाली है, ठीक है इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किस प्राइस ब्रैकेट में ये वॉच आएगी और लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, देखो गाइस इसका जो प्राइस रहेगा मेरे ख्याल से 1499 to 1999 rupees तक रह सकता है, मतलब 1500 to 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकती है वॉच, ठीक है। बहुत ही जल्दी आएगी, अभी सिर्फ शोकेस हुई है ऑन अमेजोन, कब होगी लॉन्च ये, वैसे ये इसी महीने, वही बात है कि मतलब 20 के बाद, मतलब 20 तो निकल चुकी है ऑलरेडी, मतलब इस मंथ के एंड के बीच में हो जाएगी, 28-27 को ये लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, आप इसको ग्रैब कर पाओगे। तो 1500 में आती है तो बहुत ही अच्छी डील बन जाती है और जिनके लार्ज रिस्ट हैं, जिसके मीडियम रिस्ट हैं, डेफिनेटली इस वॉच के लिए वो सब लोग जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रीव्यू था, अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता है या किसी और वॉच के साथ इसका कंपैरिजन चाहिए तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।